Murió. ये भी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। कैप कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। मोदी योगी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। ये भी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। ये भी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। फर्जी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। अभी तो ये लड़ाई है। सभा में सीएबी जो धर्म के आधार पे पारित हुआ है तो हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो धर्म के आधार पे हो रहा है इसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी बाहरी मुल्क आए हैं, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से और बांग्लादेश से, दुनिया किसी कोने से आए हैं, शरणार्थी अगर हैं, अगर जिस धर्म को वो ईसाई को, बौद्धिस्ट को, तमाम लोगों को जो है दे रहे हैं, यहाँ से नागरिकता हमारी मांग है। जो हमारे वहाँ उत्पीड़न हुआ है उनके साथ भी, जो मुसलमान भाई है तो उनके साथ भी जो उत्पीड़न हुआ है, लोग दिल्ली में जो है लोकसभा घेराव करने जा रहे हैं सन 2020 में। ये काला कानून आया है, इसका हम विरोध करते हैं। ये धर्म के आधार पर जो आया है, हम लोग की मांग है कि तत्काल रूप से इसको जो है संशोधन सम्मान इसको कानून को बनाया जाए। ये हम लोग की मांगे हैं और हमारे पार्टी के अनुशासन समिति के चेयरमैन साहब आए हुए हैं, ये अपनी बात कहेंगे। हम लोग इनके अगुवाई में हम लोग रेल रोकेंगे, चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे, अगर जान देनी पड़ी जान देने देंगे काम करेंगे, और जेल भरो आंदोलन करेंगे। समिति अध्यक्ष वाइस और पीस पार्टी कौमी नायब सचिव, आज हम लोग जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अभी पार्लियामेंट में धर्म के आधार पर जो बिल पास हुआ है उसके विरोध करने के लिए, क्योंकि ये धर्म निरपेक्ष देश है, यहाँ पे सारे लोगों को सम्मान अधिकार मिला हुआ है। तो हम चाहते हैं कि जो पहले बिल था, जो पहले कानून था, वो बाकी रहना चाहिए, उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। ये धर्म 14 दफ़ा है उसके खिलाफ है, तो इसलिए हम उसको विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो मुसलमान बाहर से आ रहा है तो वो जासूसी करेगा, जो ये कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आएंगे उससे जासूसी को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन ये बताएं कि इस जासूसी में कितने मुसलमान पकड़े गए। उसमें जासूसी में ज़्यादातर तो जो नॉन मुस्लिम हैं, गैर मुस्लिम, वही पकड़े गए। तो इसलिए जो है क्या कहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको यहाँ पर रहने का अधिकार मिलना चाहिए, और हम इसकी मुखालफत करते हैं और करेंगे हर सतह पर जब तक कि ये वापस नहीं हो जाता है। ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा।